दरबार में मैया खुशी में। हेलो एवरीवन, राधे राधे सबको, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो मॉर्निंग का टाइम है, मैंने यहाँ पर सारा रूटीन अपना कर लिया है और जैसे कि आज संडे है तो इन लोगों को जाना नहीं था, तो इतना आराम था कि हाँ लंच वगैरह नहीं बनाना था सुबह। तो यहाँ पर बस मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ फटाफट से मंदिर क्लीनिंग की। वैसे तो कल ही क्लीन कर लेती बट आज दिन अच्छा था तो इस वजह से मैंने सोचा आज ही करती हूँ, अदरवाइज़ एक दिन पहले ही मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो इस वजह से मैं अभी सारे मंदिर को अच्छे से क्लीन करूँगी, पूरा ऊपर का एरिया खाली करके मैं सारा कुछ क्लीन करूँगी, अंदर की जो कैबिनेट सामान रखा है वो निकाल निकाल के भी मैं क्लीन करूँगी। और यहाँ पर ये क्लीन कर रहे हैं पूजा के बर्तन, तो ये पूजा के बर्तन चमकाएंगे और मैं भगवान जी की फ़ोटोज़ एंड मूर्तियों को क्लीन करूँगी अच्छे से। पर इनको मैंने मार्केट भेजा था तो ये सामान लेकर के आ गए। शॉपिंग भी मैंने आज ही की है नवरात्रों की, तो मैंने खुद नहीं गई थी, मैंने इनको लिस्ट दे दी थी, अदरवाइज़ हर बार मैं खुद जाती हूँ लेने के लिए। तो ये सारा सामान देखिए ले आए थे और प्रॉपर क्या सामान है, कैसे पूजा की है, पूजा की सारी विधि, स्थापना की सारी विधि मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो में शेयर की है, प्लीज़ आप लोग देखना, इसी चैनल पर है। मैं शॉर्ट्स वीडियो अब डेली शेयर करती हूँ तो आई होप आपको पसंद आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरी प्रिपरेशन कर ली है, मंदिर को क्लीन कर लिया, बर्तनों को सारे मतलब इन्होंने क्लीन कर दिया है सारा कुछ, और यहाँ पर जो स्थापना है वो भी हो गई है। तो यहाँ पर मैंने सारी पूजा विधिवत कर ली है और अब लास्ट में होता है हवन, उसके बाद आरती होती है। तो जैसे कि हम तीन लोग थे तो पहले मैंने नन्नू से अग्यारी डलवा दी थी, उसके बाद हम दोनों लोगों ने साथ में डाली थी, तीन लोग एक साथ पूजा नहीं करते हैं, आपको भी पता होगा। तो यहाँ पर बस घर में इतना अच्छा माहौल हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत अच्छा माहौल हो गया था। भजन बज रहे थे ऑल द टाइम, भजन तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा दिन, शायद 5-10 मिनट को बंद रहे हूँ, मैंने पूरा दिन भजन जो है बजाएं और आप लोग भी कर लो माता रानी के दर्शन। मेरा व्रत है, नन्नू का व्रत है और मम्मी का व्रत है, मेरे पति देव व्रत नहीं रख पाते हैं, उनकी थोड़ी सी कमजोरी समझ ले, कुछ भी समझ ले, तो इनका व्रत नहीं है। तो इन्होंने खाई है अभी आलू की कचौड़ी और मैंने कुछ भी नहीं खाया है व्रत में। यार हमेशा खाने खाने का सोचते रहो तो फ़ायदा ही क्या, अब जब बहुत तगड़ी वाली भूख लगेगी तब खाऊंगी, अभी बस पानी पिया और प्रसाद लिया, बाकी मैंने कुछ भी नहीं खाया। और काम करने के लिए मैं बैठ गई हूँ, देखिए मैं केबल ले आई हूँ और केबल की हालत इतनी बुरी हो रखी है कि पूछो मत मेरे। तो कौन कौन व्रत है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, मैंने पूरे नवरात्रे रखे हैं, नन्नू भी जिद कर रही है पूरे के, बट उसे रखने नहीं दूंगी, स्कूल जाती है ना इस वजह से। पूजा हो गई, घर एकदम मंदिर बन गया, पूरा घर ही मंदिर लग रहा है। मैंने भजन चला रखा था वो भी म्यूट कर दिया, ये फीलिंग इतनी अच्छी होती है, ऐसा लगता है माता रानी घर में आ चुकी हैं, एकदम वो विराजमान हो चुकी हैं, बहुत पॉजिटिविटी से भरा लगने लगता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा लगने लगता है। सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, माता रानी मेरी प्यारी सी यूट्यूब की जो फैमिली है जो मुझसे इतना प्यार करती है, उन सभी लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। ये वाली जो सोफे की टेबल है मेरे इतने ज़्यादा काम आ रही है, मैं पूजा करनी रहती है ना तो स्पेस की कोई कमी नहीं रहती है, पहले क्या था मुझे हर चीज़ बहुत वैसे मतलब एडजस्ट करके रखनी पड़ती थी, बट यहाँ पर खूब फैला फैला के आराम से सारी चीज़ें रख रखी रहती हैं, बहुत अच्छा लगता है, स्पेस की कोई कमी नहीं रहती और आराम से सारी चीज़ें रख जाती हैं, पूजा भी हो जाती है और उसके बाद भी खुला खुला सा लगता रहता है पूजा में। आप देख सकते हैं कितना स्पेस बचा है पूजा सारी हो जाने के बाद भी, कोई पूजा होती है अच्छा घर में तो अच्छा कितना लगता है ना। और ये वाला जो फैलावा होता है ये इतना सुख देता है कि मैं आपको क्या बताऊँ, ये वाला फैलावे से उलझन नहीं होती है जरा से भी, त्यौहार के जो होते हैं ना ये हो गए। ये देखिए किचन में कितना अच्छा लग रहा है, एकदम रौनक रौनक सी लग रही है। इसको अभी समेटूंगी, एकदम से नहीं मैं सारा कुछ समेट दूंगी, अभी थोड़ी देर मैं लैपटॉप पे काम करूंगी, रेस्ट करूंगी। और ये देखिए चाबी कहाँ रखी इन्होंने ऐसे करते हैं, जगह पे चीज़ें नहीं रखते कभी। तो फिर इसको मैं थोड़ी देर के बाद समेटूंगी सारे सामान को, एकदम से समेटना मुझे अच्छा नहीं लगता है पूजा के बाद, और हमें समेटना भी नहीं चाहिए।
तो ये रहे चाबी की सही जगह। ये वाली ट्रे को मैं रख देती हूँ यहाँ पर, फिर रखी रहेगी आराम से। वो पति देव पत्नी देवी पूछ रही है कुछ। अरे ये मेरा सामान है। अरे ये मेरा सामान है, क्या करूँ इसका? बैग उड़ा दे। दूँ बैग कहाँ है? बैग कहाँ है? जय माता दी बोलो। जय माता दी। आप सभी लोगों को जाता जय माता दी। आप सभी लोगों को जाता आप सभी लोगों को जय माता दी। तो चले करते हैं अपने काम, ये तो फ्री है, इन्हें तो कुछ काम दाम है नहीं। अभी फोन में बहुत बुरी तरह लीन है, एक कहते ना। तो यहाँ पर जो भी सामान बिखरा हुआ था वो मैं क्लीन कर रही हूँ, समेट करके रख रही हूँ अच्छे से। और यहाँ पर इसकी सेटिंग मैंने दोबारा से चेंज कर दी थी। अभी मैंने इसको इस बास्केट में रख दिया है क्योंकि मुझे यहाँ से सामान हटाना था। फिर उसके बाद तसल्ली से मैंने जो डब्बे होते हैं वो ढूंढ करके सारा सामान अच्छे से डब्बों में करके रख दिया, तो एक सा हो गया है। और मंदिर भी एकदम, मंदिर का जो सारा एरिया वो एकदम साफ साफ सा हो गया। अच्छा, इसका क्या मतलब था? समझ गई मैं। थोड़ा चला के जाके ऊपर चला सकते बता। तो जहाँ मेरा लगा वहाँ चलेंगे, वही दिला देंगे ना इनको, हम कहते हैं। और क्या समझती नहीं है आज। बस एक चीज़ अच्छी हुई, नवरात की पहला दिन और संडे था आज। ये हाँ, ये बहुत अच्छा लगा। तुम जाते नहीं है पहला दिन, वैसे ही होता है, जाते भी तो एक दो बजे जाते हैं। और मुझे बात ही सही करनी है। मैं ट्यूशन स्कूल दोनों नहीं जाती। लो तुम। यहाँ पर मैं बना रही हूँ पत्तों की तोरण। आप आम के पत्तों की भी बना सकते हैं, अशोक के पत्तों की भी बना सकते हैं, दोनों ही पूजा के लिए शुभ होते हैं। और ये तोरण हमेशा मैं अपने हाथ से ही बनाती हूँ। इसका प्रॉपर वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आप लोगों को देखना है। और भी अच्छे से बनती है बट फिलहाल जितना अवेलेबल था उससे बना दी। और मॉर्निंग में इतना हेक्टिक शेड्यूल हो गया था कि टाइम नहीं मिला बनाने का, तो शाम के टाइम मैंने बना करके आरती के टाइम लगा दी। आरती भी हो गई शाम की, और जो बजरंगबली जी की पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो थी वो भी सही जगह पर लगवा दी है, क्योंकि वो गेट अड़ता है ना तो वहाँ पर पॉसिबल नहीं था। तो इतने दिनों के बाद फाइनली हमारे बाबा जी हैं सही जगह पर विराजमान हो चुके हैं। अब टाइम टू टाइम इनकी हम क्लीनिंग भी कर लिया करेंगे अंदर ही स्टूल रख करके, और पूजा भी अच्छे से हो जाया करेगी। और यहाँ पर अब मैं पूरे दिन के बाद खा रही हूँ थोड़ी सी साबूदाना की खीर, और थोड़े से भजन फिर से सुन रही हूँ। भजन ही सुन रही हूँ आज पूरा दिन, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग कैसे नवरात्रि, आप लोग मुझे बताइएगा जरा। कुछ ब्लॉग करते हैं पर एंड मिलते हैं वीडियो। भगवान, मैंने पूछा भी तो कैसे, मैं कह रही हूँ कि आज तुम ब्लॉग एंड कर दो, कुछ अच्छा सा बोल करके एंड कर दो तो ये अच्छा सा है। चलो बाय बाय टाटा। बाय बाय। बहुत थक गई हूँ, मतलब आज मेरी कमर की बैंड बज चुकी है, और अभी मुझे 9 दिन तक अपने सोफे से ही काम चलाना पड़ेगा। और यहाँ पर हॉल पे गद्दा लगा के मैं सोऊंगी, क्योंकि मेरी आदत है मैं नवरात्रों में बेड त्याग देती हूँ, मैं बेड का त्याग कर देती हूँ, क्योंकि बेड एक ऐसी चीज़ होती है जो कि अशुद्धता की श्रेणी में आती है। वाह क्या हिंदी बोली मैंने। तो मेरी हमेशा से यही है, सोचें सोफे पर तो नहीं सोऊंगी क्योंकि मेरी कमर बहुत बहुत ज़्यादा टूट रही, बहुत थकावट हो रही है। सच में ऐसे लगता है कभी कभी जान ही चली जाएगी, क्या करूँ है दर्द की वजह से। चलो दे दे तो, अच्छा नहीं का व्रत में नहीं तुमसे हम वो लेंगे, अपनी सेवा कराएंगे। क्यों मोटू राम यार करेंगे, व्रत मैं रहूँ मतलब फल तुम ले जाओ सारा है सेवा करके मेरी। तो अभी सोचा इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, और सुबह से मॉर्निंग से चल रहा है, हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं बना पाया, पूरा दिन इतना सुपर बिजी रही, सुपर बिजी रही। सुबह उठते ही काम काम, क्योंकि कल जो पितर पक्ष चल रहे थे उनका लास्ट डे था, तो फिर कल सफाई वगैरह हो नहीं सकती थी, तो आज ही मैंने मंदिर की क्लीनिंग वगैरह की, सुबह उठते ही सारा कुछ किया। और अभी मैं बहुत थक गई, अभी ब्लॉग एडिट करके मैं बस ढेर हो गई, जैसी बैठी थी मैं वैसे ही लेट गई। सभी लोग बोलते हैं है? क्या हुआ? अरे ये क्या है, मेरा ये हाथ पकड़ के देखो कैसे कैमरे घुमा रहे हैं। मेरा पेट आ रहा है इतना मोटा। अरे तो इसमें शर्म की क्या बात है, खाते शर्म लग रही है, खाते पीते घर के हो। एक मोटा हाथ थी। अरे यार ये तो दाढ़ी इतनी बड़ी है,
नहीं नहीं और बढ़ाइए जनाब, पितर पक्ष की वजह से नहीं कटाई, अब पितर पक्ष हो गए, अब वो आ गई नवरात्रि, नवरात्र दशहरे के बाद कटी। ओ जी जी, हमसे तो तुमने कछु और बोला था लल्ला, तुमसे जो बोला था वही है सही है ना। झंझट कभी खत्म नहीं होंगे, बट पहले मैंने सोचा था मैं पूरे नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत इस वक्त बहुत खराब थी। फिर मैंने कहा कि वैसे भी मैं कितना खाती हूँ, मोटापा देख के लग रहा होगा आपको, बहुत खाती हूँ, मैं बहुत कम मेरी डाइट हो गई और रात में तो छूट ही गई है एकदम से। चार रोटी रात में और 8 रोटी सुबह। अच्छा बहुत कम खाती है। अच्छा और भी वजन ना पाता, मेरा 2 किलो कम निकला कि नहीं निकला बताओ जरा। 2 किलो तुम्हारा कम हो गया। हाँ क्योंकि आज तुम व्रत थी ना, टेंशन में कम हो गया वो। हट सुबह सुबह कैसे मुझे टेंशन में आदमी कम हो जाता है। सुबह सुबह कैसे मैं व्रत हो जाएगा। सुबह सुबह ये थी कि 9 दिन तक मैं नहीं खाऊंगी वैसा कुछ। अच्छा रोटी अब तो मैं वो खा लेती ना। अच्छा रोटी, रोटी तो मुझे वैसे भी ज्यादा पसंद नहीं है। ये मेरे पति तो मेरी चिकाई लेने में सबसे आगे रहते हैं। मजा आती है किससे करें चिकाई। लग रहा बस सो जाऊं। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस वाले ब्लॉग को एंड, और मिलूंगी आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, राधे राधे राधे। आप लोग भी अच्छे से त्योहार मनाइए। इसमें क्या क्या भरा है? इसमें सुबह से बहुत आइटम जा चुका है अब, लेकिन मैं बहुत जल्दी जिम स्टार्ट कर रहा हूं। ओहो तुम, अरे नहीं सच में यार, छोड़ दो, लग रहा है बहुत मोटे हो रहे यार। नहीं नहीं छोड़ो। आप लोग क्या कहते हो, जिम स्टार्ट करें ना करें? चलो भाई कमेंट करो इनको, आज आपके जीजू भैया जो भी आप समझो आपसे पूछ रहे हैं कि ये जिम स्टार्ट करें ना करें, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, छोटे छोटे भाइयों के मोटे भैया, बन गए 10 साल पहले किसी के सैया। ये गाना अपनी उसमें है कैसेटवा में। अच्छा छोटे छोटे, और एक हर किसी कैसेट में होता है, एक वो वाला गाना है वो क्या बोलते हैं, मैं सहरा बांध के आऊं, ये वाला गाना गा के सुनो। मैं सहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है। तुमने राग लय सुर ताल की ऐसी तैसी कर दी है, मेरी तबीयत खराब है। तो आप लोग रिक्वेस्ट करते ना जीजू से गाना सुना, तो जीजू गाना बहुत भाव बढ़ गए इनके, तबीयत दिला खराब है, बुखार हो रहा, पता नहीं चलता। चलिए फ्रेंड्स करते हैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड, मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, सुबह नन्नू का स्कूल भी है, तो आज तो बहुत ज्यादा ही थकावट हो गई है, बट कोई बात नहीं, अच्छा भी बहुत लग रहा है। मोबिल आए, हम साथ साथ है। बोलो बोलो नहीं बोलो हम साथ साथ। हमारा गाइस बात करते करते मूवी देखने का मन कर गया, पहले तो मैंने सॉन्ग लगाए, बोल रहे मूवी लगाओ, फिर उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि वो माँ को बता नहीं सकते हैं।